आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की ये प्राइम खबरों में पहली खबर है, 100 करोड़ के वाहन जब्त कर रखे थे विधायक ढुल्लू महतो ने, पुलिस ने किया बरामद। दूसरी खबर, झारखंड में तबाही की बारिश, अरबों का नुकसान, पुल टूटा, चतरा और चौपारण का संपर्क भंग। तीसरी खबर, झारखंड में बिजली संकट दूर, 7 जिलों में बिजली बहाल, प्रतिमाह 170 करोड़ का भुगतान करेगा झारखंड। चौथी खबर, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन पहुंचे रांची, बोले कांग्रेस डूबती जहाज, छोड़ने की मची होड़, झारखंड भी अछूता नहीं। आइए सुनते हैं अब खबर विस्तार से। पहली खबर, भाजपा के दबंग विधायक ढुल्लू महतो के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने बाघमारा के विभिन्न इलाकों से ऐसे दर्जनों वाहन और मशीनें बरामद की हैं जिन्हें विधायक ने अपने कब्जे में कर रखा था। ये वाहन और मशीनें किन की हैं, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि ढुल्लू महतो फिलहाल भूमिगत हैं और पुलिस उन्हें तलाश रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से विधायक के कब्जे वाले जितने वाहनों और मशीनों की बरामदगी हुई है उनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि ये वाहन और मशीनें पिछले 5 साल से पड़ी हैं। पुलिस के अनुसार ढुल्लू महतो ने रंगदारी नहीं देने वालों के वाहनों और मशीनों को जब्त कर लिया था। इनके मालिकों का पता लगाया जा रहा है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के कारोबारी इरशाद आलम ने उनके 7 वाहनों और मशीनों पर कब्जा करने का आरोप विधायक पर लगाया था। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। पुलिस ने 30 हाइवा, 12 स्कैनिया टम्पर, 7 पोकलेन, 8 वॉल्वो, 1 407 ट्रक, 3 डीजल टैंकर, 1 ड्रिल मशीन और 1 ग्रेडर मशीन बरामद की। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की दूसरी खबर पर। झारखंड में बेमौसम बारिश ने तबाही ला दी है, इससे राज्य को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, परंतु शनिवार को लगभग घंटों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हजारीबाग जिले में 98 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण टंडवा में चौपारण चतरा के बीच गेरुए ब्रिज टूट गया, इससे चतरा चौपारण का संपर्क टूट गया है। इस ब्रिज पर उस समय एक मोटरसाइकिल सवार गुजर रहा था, उसकी जान बच गई। इधर चतरा प्रतापपुर के बीच जोरी में भारी बारिश के कारण नदी का बहाव तेज होने से एक यात्री बस उसमें फंस गई। हालांकि बाद में बस को निकाल लिया गया। चैत माह में बेमौसम बारिश के कारण रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं को ही हुआ है, इससे किसान परेशान हैं। बारिश के बाद ओलावृष्टि किसानों के लिए मुसीबत बनी है, इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, सब्जियां खराब हो गई हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव ने बताया कि गेहूं, मूंग और लतर वाली सब्जियों को इस बारिश से ज्यादा नुकसान हो रहा है। यदि खेतों में पानी जमा रहा ये फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। गेहूं और मूंग के साथ कद्दू, नेनुआ, झींगा, करेला, मटर, तरबूज, खरबूज आदि को भी नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार व्यापक पैमाने पर रबी फसल की खेती की गई है, इनमें गेहूं के अलावा दलहन, तिलहन और सब्जियां शामिल हैं। तिलहन की फसल खेतों में तैयार है, लेकिन बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण फसल खेतों में पसर गई है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की तीसरी खबर पर। डीवीसी के साथ बकाया राशि को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने का ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रयास को सफलता मिली है। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के CMD एल खयांगते ने शनिवार को डीवीसी के अधिकारियों संग मैराथन बैठक की। बैठक के बाद बिजली बहाल करने की सहमति बन गई। डीवीसी ने सभी 7 जिलों में बिजली बहाल कर दी है।
JBVNL अधिकारियों के साथ समझौता हो गया है। इसको लेकर MOU साइन हो गया। हर महीने नियमित बकाया 170 करोड़ देने पर सहमति बनी। वहीं DBC को 400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की चौथी खबर पर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा के लिए वो खुद जिम्मेवार है। इसकी दशा डूबते हुए जहाज की तरह हो गई है, जिस पर सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे कूद कर भाग रहे हैं। विशेषकर कांग्रेस के युवाओं को ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ना तो उनका भला होने वाला है, ना देश का भला होने वाला है। शहनवाज हुसैन शनिवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी हुई है। वे पहले पार्टी नेताओं के दिल में बसते थे, अब दल में भी शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर कहा कि वहां कांग्रेस जाने वाली है, जल्द ही वहां भाजपा की सरकार बनेगी। अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस में भगदड़ मची है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं। भारतीय मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं, वे यहीं के हैं और यहीं रहेंगे, परंतु बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म निजी मामला है, इसे राष्ट्रीयता से ना जोड़ें। कोरोना वायरस के संबंध में कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है, इसका प्रसार रोकने के लिए सरकार हर संभव एहतियाती कदम उठा रही है। उन्होंने एक यूट्यूब पे बनाया था, पहले कोई आएगा, कोई पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा, फिर आपको डाउटफुल में डालेगा, फिर NPR आएगा, फिर NRC आएगी, फिर आप देश डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे। ऐसा वीडियो देखा होगा आपने। मैंने उनसे एक घंटे की बहस की और मैंने अपने ट्विटर पे डाला है। उन्होंने भी कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने वाला कानून है, ये लेने वाला कानून नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी पार्लियामेंट में कल कहा परसों कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो जो बहनें कहीं भी बैठी हैं उनसे मेरी अपील है कि जिन्होंने आपको भड़काया था वही कह रहे हैं कि ये नागरिकता लेने वाला नहीं है। हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो कमिटमेंट किया था बंटवारे के बाद कि जो लोग पाकिस्तान चले गए अगर उनकी मजहबी आजादी खतरे में होगी तो उनको नागरिकता देंगे, हमने उनका वचन पूरा किया है। NPR जनगणना से पहले की प्रक्रिया है। NRC पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। NRC न कैबिनेट में, न पार्टी में, न किसी फोरम पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान से, जहां सोनिया जी ने आर पार की बात कही थी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने उसी रामलीला मैदान से कहा था, जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकती। अमित शाह जी ने कहा, ये देश जितना मेरा है उतना भारत के मुसलमानों का है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत के मुसलमान हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इनको कोई चिमटे से भी नहीं छू सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि भारत सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम भाइयों को कुछ लोग भड़का रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब कोई भी योजना बनाते हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तानी को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं, उनके नजर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, सब भारतीय हैं। लेकिन जिन नेताओं ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने, ऐसे नेताओं ने, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता ने, जिन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को डराने का काम किया, अब उनको माफी मांगनी चाहिए उनसे। उन्होंने भड़काने का काम किया।
आज दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस दंगे की सबसे बड़ी वजह रही इन नेताओं ने आर पार की बात कही, सिर्फ भड़काने का काम किया। लेकिन जो लोग भी दंगे में मारे गए, अमित शाह जी ने कहा, वो भारतीय थे। जिनका दुकान जला भारतीयों का जला, जिनका मकान जला भारतीयों का जला, नुकसान हुआ तो भारत माता को हुआ और किसी को नहीं हुआ। दंगे कभी भी किसी को पसंद नहीं होते, कोई भी जात समाज बिरादरी धर्म के लोग होंगे, दंगा समाज पर कलंक है। और इस काम को उकसाने का काम जिन्होंने किया, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा एक एक को पकड़ेंगे, जो लोग इसमें शामिल है, पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया है वो साजिश कर रहे हैं, आईएसआईएस के लोग भी पकड़े गए हैं वो साजिश कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को कोई बांट नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को एक करके चलेगी, हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर चलेंगे और आगे करेंगे। क्योंकि मैं बिहारी हूं और आपसे पुराना रिश्ता है, आप लोग अलग हुए हैं, तो मैं कहता हूं बिहार का चुनाव होने वाला है, झारखंड में जरूर हम थोड़े से चूक गए और बिहार में हम इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा गठबंधन चुनाव लड़ेगी और हम 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 15 साल काम हुआ है, इस सारे विषय को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है और हम आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रश्न बच गए। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।